बैंकों से 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेकर विदेश जा चुके बिजनेसमैन विजय माल्या पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के लोन डिफॉल्ट मामले में सीबीआई लेटर रेगुलेटरी जारी करेगी और ये लेटर रेगुलेटरी फ्रांस, यूके, हांगकांग, अमेरिका और स्विट्जरलैंड की सरकारों को भेजा जाएगा। सीबीआई आईडीबीआई बैंक के किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए 900 करोड़ रुपए के लोन के मामले की जांच कर रही है, तो सीबीआई को यह शक है कि माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के लिए इस कर्ज को विदेशों में दूसरी कंपनी में ट्रांसफर किया है। माल्या के कई देशों में संपत्ति है, इसमें यूएस, यूके, फ्रांस, हांगकांग शामिल है। आपको बता दें कि लेटर रोगेटरी के जरिए एक देश की जांच एजेंसी सरकार की तरफ से दूसरे देश की सरकार को भेजती है और इस तरह मिली जानकारी कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश की जाती है।